पर दोस्तों यूं तो मैं छाछ भी पी सकता था, पर मैं पीऊंगा बियर, क्योंकि छाछ तो दुनिया पीती है, क्यों ना हम दुनिया से कुछ अलग करें। इस नमस्ते इंडिया की 10 रुपये वाली चटपटी छाछ का रिव्यू करूंगा मैं अगली बार। आज तो हम भटूरों के साथ बियर ही पियेंगे, और वो भी धरातल में बैठ के, सतह पे बैठ के पीऊंगा। तो दोस्तों ये छोले भटूरे और ये प्रूस्ट की स्ट्रॉन्ग बियर। आपको पता है मैं रिवायती ब्रांडों से अलग पीता हूँ, तो प्रूस्ट प्रीमियम बियर स्ट्रॉन्ग बियर 135 रुपये की दी है मुझे, बिल्कुल सही रेट में। और आई है हमारे पास ये बटाला से, एडी ब्राउसन वालों की है ये भी, यानी जिसकी कौन सी है, शायद रॉयल ग्रीन। अच्छा जी, तो इसमें उल्लू की आंखें बनी हुई है। 650 ml की बोतल, 8% से ज़्यादा इसमें वॉल्यूम नहीं है अल्कोहल की। और दोस्तों स्टील के ग्लासों में तो हर बंदा कर रहा है, मैं कांच के ग्लासों में तो हर बंदा वीडियो डाल रहा है। मैं आज पीऊँगा स्टील के ग्लास में और चेक करूँगा कि बियर स्टील के ग्लास में लगती कैसी है। चलिए दोस्तों भर देते हैं इसको। अरे तो दूध है बहन चो, अरे दूध नहीं है, जागे सबर करो थोड़ा सा, बियर ही निकलेगी। ये दूध वूध नहीं पीता भाई, मैं दूध वूध नहीं पीता, छाछ फिर भी पी लेता हूँ मैं। चलो इसको बैठने देते हैं। और भाई जमीन पे बैठने का मजा अलग है, तो कुर्सी पे बैठ के हर बंदा रिव्यू दे रहा है, पर पीछे से सब्जी वालों की आवाज आना, जमीन पे बैठना, छोले भटूरे खाना है, बचपन के दिनों की याद है। देखो बचपन में, अरे भावसड़ी क्या बोल रहे थे मुझे, तू रिव्यू बना ले मेरा, मैं सब्जी बेच लेता हूँ। बचपन में क्या होता था, इसकी जगह रसना होता था, है ना, या अपना कोई कोल्ड ड्रिंक होती थी, या बंटे वाली बोतल होती थी। बड़े हो गए तो शौक, मतलब एक एक चीज़ ही तो बदली है, लोग बदनाम कर देते हैं इतने में रिश्तेदार। मैं कैसे रिश्तेदार है बताओ यार, आपके रिश्तेदार भी करते हैं आपको कि लौंडा बियर पी रहा है। जो कर रहा है ना, एक बार उसके सामने बैठ के पी लो शादी में, तो जिंदगी भर ना बोल रहे तुमसे फालतू। तो देखो दोस्तों स्टील के ग्लास में बियर पी रहा हूँ, और बिल्कुल ऐसे शराब वाला रंग है, बिस्की वाला। और ये जय भैरव की करते हैं, जय भैरव की, और पीते हैं। ओ वाओ, ओए होए होए, ऐसा लग रहा है गांव का कोई ताऊ में, और आसपास जो मोहल्ले की औरतें हैं उन पर रोब जमा रहा हूँ मैं, और ठाट से बैठा हूँ। देखो जिंदगी जो भी है इसमें शौक पूरे कर लो दोस्तों। मेरा तो शौक था स्टील के ग्लास में पीने का, मैंने तो आज पूरा कर लिया। स्टील के ग्लास मेरे दहेज में आया था, और मेरी शादी नहीं हुई फिर भी मेरे को दहेज में आया था। तो त्योहारों वाली फील आ रही है मेरे को, तो त्योहार तो खैर होली आने ही वाला है, पर आज ही आ रही है मेरे को कि ऐसे स्टील की ग्लास में पीना है जमीन पे बैठ के, तो भाई बहुत ही मतलब एवन काम है। बहुत ही मजेदार बियर प्रूस्ट, कड़वाहट के साथ नशे की जो मिठाई मिल रही है दिमाग में, मजा सा आ रहा है। दिस इज किंग साइज ब्रेकफास्ट। क्या तुम दूध पी रहे हो, चिवड़ा खा रहे हो, सोते वेजिटेबल खा रहे हो, ये होता है किंग साइज ब्रेकफास्ट, किंग टाइप जो भी भोसड़ी का बोलते हैं, ठीक है, बातों में नहीं जाता मैं। और प्रूस्ट की ये जो बियर है, और इसको ज़रा लबों से लगाऊं, थिन बियर है और थोड़ी ठंडी कम है वैसे, पर सुबह के लिए सही है भाई, ज़्यादा ठंडी पी के करना भी क्या है, ठीक है। भटूरा भटूरा तो सही है, इतना मज़ेदार नहीं है वैसे आज। छोले मुझे इसके पसंद नहीं है, पर भोसड़ी का घर के पास यही है तो मैं ले आया, और कुछ समझ नहीं आया। नॉनवेज रात को खाया था मैंने थोड़ा सा, इसलिए नॉनवेज नहीं लाया सुबह सुबह। माफ कीजिएगा, खाने की आवाज़ आती है, और सबकी आती है। और दोस्तों आजकल लाइक और व्यू कम आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं और कम आए, मैं तो कहता हूँ क्यों आए व्यू, क्यों चाहिए लोगों को लाइक, कोई सब्सक्राइब मत करो, मैं तो कह रहा हूँ जीरो हो जाओ,
मज़ा तो तभी ज़िंदगी है जब आप जीरो हो जाते हैं, क्योंकि जो जीरो हो जाते हैं वो हीरो हो जाते हैं। भाई ब्रेकफास्ट के नाम पे एक शायरी होनी चाहिए। वो आती थी मोहल्ले में सुबह पूजा के बहाने, हम टपरी पे अक्सर चाय पिया करते थे, हम कंडक्टर थे बस के बहुत ही पुराने, चंडीगढ़ अम्बाला नाम लिया करते थे। दोस्तों शायरी तो सब करते हैं, क्या है मैं इंदौर से आया हूँ ना अभी, तो मेरे में राहत इंदौरी जी बस गए हैं थोड़े से। ऐसे देखो मेरा चैनल फन होता है, आपका सारा स्ट्रेस दूर कर दूंगा मैं। आपको अगर सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो वो चूतिया थॉट है, मरने के कोई मतलब नहीं है। मरने से बढ़िया साधु बन जाओ, मरने से बढ़िया खुश रहो, अपने माँ बाप के लिए जियो। जो भी बंदा परेशान है मेरी वीडियो देख के खुश रहे। देखो मैं भी तो छाछ पी सकता था, बियर पी रहा हूँ, रात को पी सकता था, दिन में पी रहा हूँ, भटूरों के साथ स्नैक्स के साथ खा सकता था, भटूरों के साथ खा रहा हूँ, तो ज़िंदगी ऐसे चलाए। ज़िंदगी को प्लानिंग से चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गॉड का अलग प्लान है। कैसी लगी है महफिल कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। 5 में से 4 है बियर को।